टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविंद्र अश्विन के हाथ एक बड़ा रिकॉर्ड आया है। अश्विन ने टेस्ट मैचों में 200वीं बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट किया है। ऐसा करने वाले अश्विन दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये कामयाबी उन्होंने चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड को आउट करके हासिल की। चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन अश्विन अलग ही रंग में दिखाई दिए। असल में अश्विन की गेंदबाजी के करियर को देखें तो अब तक उन्होंने खब्बू बल्लेबाज यानी बाएं हाथ वाले बैट्समैन को काफी परेशान किया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुनिया के धाकड़ बाएं हाथ के बल्लेबाजों से जुड़ा उनका एक रिकॉर्ड है। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को 10 बार, इंग्लैंड के एलिस्टर कुक और बेन स्टॉक को 9 बार अपना शिकार बनाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ही एड क्वान और इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को 7 बार आउट किया। चेन्नई टेस्ट में अश्विन ने पहली पारी में 43 रन देकर 5 विकेट लिए। ये अश्विन का ओवरऑल 29वां जबकि भारत में 23वां 5 विकेट हॉल था। अपने देश में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ियों में जिमी एडिसन को पछाड़कर अश्विन चौथे नंबर पर आ गए हैं। अश्विन से आगे 45 विकेट के साथ सिर्फ मुथैया मुरलीधरन, 26 विकेट के साथ रंगना हेरात और 25 विकेट के साथ अनिल कुंबले हैं। उधर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 36वीं बार शून्य पर आउट हुए। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड के क्रिस मार्टिन की बराबरी कर ली है। वेस्ट इंडीज के कार्टनी वॉल्स इस मामले में ब्रॉड से आगे हैं। वो 43 बार शून्य पर आउट हुए हैं। इसके साथ रविंद्र अश्विन ने भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह को पछाड़ दिया है। उनके नाम स्वदेशी धरती पर अब तक 268 विकेट हो गए हैं। ये उपलब्धि अश्विन ने 45 मैचों में हासिल की। वहीं हरभजन सिंह 55 मैचों में 265 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।